हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ्स जानकारी से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी नवरात्रि शुरू है, तो उसके लिए आज के नवरात्रि का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ल्ड कप भी चल रही है, तो उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आज का 13वां मैच चल रहा है, जो 13th मैच जो ICC का जो चल रही है, उसके बारे में मैं आप लोगों का रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड और भारत अफगानिस्तान के बीच जो चल रही थी मैच, तो जो डिफेंडिंग चैम्पियन को हरा दिया है अफगानिस्तान ने। हालांकि बहुत टक्कर की मैच चल रही थी, बट 69 रनों से हरा कर बड़ा उलटफेर किया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 13वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हरा कर बड़ा उलटफेर किया है। इसके इंग्लैंड की टीम के विश्व कप में ये दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड को जीत के बांग्लादेश के खिलाफ मिली है। अफगानिस्तान की 3 मैचों में यह पहली जीत है। इससे पहले टीम को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 284 रन बनाकर अपना सही विकेट खो दिए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 40.3 ओवर में 215 रन ही बना सके। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने 66 रन, अफगानिस्तान के लिए मुजीबुल रहमान, रशीद खान और नबी ने 2-2 विकेट लिए। वहीं पर 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने दूसरे ही ओवरों में जॉनी बेरेस्टो का विकेट गंवाया। बेरेस्टो ने दो ही रन ही बना सके। इसके साथ स्टार बल्लेबाज जोए रूट 11 रन ही, मुजीब ने क्लीन बोल्ड किया, डेविड मलान ने 32 रनों और कप्तान जोए रूट भी कुछ कमाल नहीं दिखा सके। इसके बावजूद 18 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। लियम लिविंगस्टन 10 रन ही बना सके। इंग्लैंड ने 117 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। सैम करन 10, क्रिस वोक्स 9 और हैनी ब्रुक का बड़ा विकेट गिर। मुजीब ने पहले उन्हें और कैच का आउट करवाया। ब्रुक ने 61 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। वहीं पर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 49.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर 284 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के लिए गुरबाज ने 80 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए अधीर रशीद 3 पहले बल्लेबाजी का सामना करना पड़ा था। उत्तरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और गुरबाज और इब्राहिम जादरन ने पहले विकेट के लिए 114 रनों के साथ आए हुए। जादरन 28 रन बना सके हुए। शाह ने 3 रन ही बना सके। इसके बावजूद गुरबाज 80 निजी स्कोर पर आउट हो गए। 24 गेंदों में 19 रन और मराजाए शहीदी 14, मोहम्मद 9। उसके बावजूद अफगानिस्तान ने 49.5 ओवर में 284 रन पर 10 विकेट सभी विकेट आउट किए। तो आप लोगों को फिर से नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग मेरे चैनल को हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ्स जानकारी से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी नवरात्रि शुरू है, तो उसके लिए आज के नवरात्रि का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ल्ड कप भी चल रही है, तो उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आज का 13वां मैच चल रहा है, जो 13th मैच जो ICC का जो चल रही है, उसके बारे में आप लोगों का रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड और भारत अफगानिस्तान के बीच जो चल रही थी मैच, तो जो डिफेंडिंग चैम्पियन को हरा दिया है अफगानिस्तान ने। हालांकि बहुत टक्कर की मैच चल रही थी, बट 69 रनों से हरा कर बड़ा उलटफेर किया है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 13वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हरा कर बड़ा उलटफेर किया है। इसके इंग्लैंड की टीम के विश्व कप में यह दूसरी हार है। इससे पहले इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड को जीत के बांग्लादेश के खिलाफ मिली है। अफगानिस्तान की 3 मैचों में यह पहली जीत है। इससे पहले टीम को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 284 रन बनाकर अपना सही विकेट खो दिए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 40.3 ओवर में 215 रन ही बना सके। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक ने 66 रन, अफगानिस्तान के लिए मुजीबुल रहमान, रशीद खान और नबी ने 2-2 विकेट लिए। वहीं पर 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने दूसरे ही ओवरों में जॉनी बेरेस्टो का विकेट गंवाया। बेरेस्टो ने दो ही रन ही बना सके। इसके साथ स्टार बल्लेबाज जोए रूट 11 रन ही,
मुजीब ने क्लीन बोल्ड किया। डेविड मलान ने 32 रन और कप्तान जो रूट भी कुछ कमाल नहीं दिखा सके। इसके बावजूद 18 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। लियम लिविंगस्टन 14 10 रन ही बना सके। इंग्लैंड ने 117 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। सैम करन 10, क्रिस वोक्स 9 और हैनी ब्रुक का बड़ा विकेट गिर। मुजीब ने पहले उन्हें और कैच का आउट करवाया। ब्रुक ने 61 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। वहीं पर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 49.5 ओवरों में सभी विकेट खोकर 200